आई एम बाल मुकुल पंड्या। आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, तो मुझे ज़रूरत थी कि मैं कुछ उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँ कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जब हम कमिटी कैसे डेवलप करते हैं, कमिटी में मीन्स चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स और कई कमिटी मेम्बर्स में कैसे सिलेक्शन करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक उसके लिए है जिसको मीन्स कमिटी कैसे रचते हैं, डिसाइड करते हैं उसके लिए। तो आपको अगर ये टॉपिक पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, और अगर फिर भी मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आए दिन शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि हम हाउसिंग सोसाइटी में कमिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों हाउसिंग कमिटी में अगर छोटे फ्लैट है, सपोज़ कि एक फ्लैट है या दो फ्लैट है और सोसाइटी मेंबर 30-35 के आसपास है, तो जनरली एक दूसरे को सब लोग पहचानते हैं, और कमिटी में जो एक्टिव मेंबर्स है या कुछ काम करने की मीन्स को जिसको है इच्छा है, वो एक आगे आते हैं और सब लोग उसको नॉमिनेट कर देते हैं कि ये हमारे चेयरमैन है, ये हमारे सेक्रेटरी है और ये ट्रेजरर है। डिपेंड्स अपॉन देयर प्रोफेशनल, डिपेंड्स अपॉन देयर डिग्री, दे कैन चेयरमैन का रोल कर सकता है, कोई ट्रेजरर है तो दैट मीन्स कि उसको फाइनेंशियल नॉलेज है, सीए है या तो बीकॉम है, सेक्रेटरी है तो उस हिसाब से कोई एजुकेशन उसकी ज़रूरत नहीं है, बट ही हैड अ कंट्रोल ओवर, मीन्स कंट्रोल करने की क्षमता है। नाउ अगर छोटे फ्लैट की बात की, कोई बड़े फ्लैट है जहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी बहुत सारे फ्लैट्स है, जहाँ पे मेंबर्स कमिट टोटल फ्लैट ऑनर्स या तो अपार्टमेंट ऑनर्स बहुत सारे 200-300 लोग हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि वोटिंग प्रोसेस होती है कि नॉमिनेशन करते हैं कि कितने लोग सेक्रेटरी, कितने लोग चेयरमैन, कितने लोग ट्रेजरर के लिए नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद उसका वोटिंग सिलेक्शन होता है। वोटिंग के बेस पे सबसे ज़्यादा वोटिंग जिसको मिलता है उस हिसाब से उसको चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का नियुक्ति किया जाता है। अपने को क्या वर्क रहता है, एक्चुअली ट्रेजर का सबको काम है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए और वो हिसाब किताब जो भी हमारे जो अपार्टमेंट या तो फ्लैट में या तो सोसाइटी में जो कामकाज रहता है उसका हिसाब किताब रखना, उसको पेमेंट करना, कलेक्शन करना, कलेक्शन के बाद उसको कैसे डिस्पोज करना, ये सब चीज़ ट्रेजर का काम रहती है। सेक्रेटरी का काम क्या है, सेक्रेटरी का काम है कि सारा जो हमारा जो MOM बनाते हैं या तो मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या पॉइंट हुआ, क्या क्या लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उसका कैसे सॉल्यूशन दिया जाता है, मीटिंग कैसे बुलाए, कब बुलाया जाए, AGM का, ये सारी चीज़ मीन्स एडमिन वर्क जो है वो सेक्रेटरी का काम रहता है, और चेयरमैन ओवरऑल सारे चीज़ों का मीन्स कंट्रोल रहता है कि जिसमें कोई डिसीजन लेना है तो सारे मेंबर्स को इकट्ठा किया जाए, AGM बुलाया जाए, सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करके उसको कैसे इशू को रिजॉल्व किया जाए, ये सब सारी चीज़ के लिए जो चेयरमैन है उसके पास डिसीजन लेने का पावर है, लेकिन डिसीजन लेने का पावर सर्वसम्मति से या तो मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी फ्लैट मेंबर की सम्मति के हिसाब से लिया जाता है। तो होप कि मैंने चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का आपको बता दिया। नाउ अदर मेंबर्स, कई जगह पे 7 मेंबर्स या 9 मेंबर डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द फ्लैट डिसाइड करते हैं। वो क्या है कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में स्पेशली गुजरात में और महाराष्ट्र में, राजस्थान में तो फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं साथ में, तो क्या है कि कई ऐसी टीम मेंबर्स जो एक्साइटेड है, जो काफ़ी कुछ उसका नॉलेज है, जिसको प्रोफेशन है, वो लोग कुछ 7 या 8 लोग डिसाइड करके एक कमेटी बनाते हैं जो टीम फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने के लिए टीम इकट्ठा करती है। कई बार बच्चों का कोई प्रोग्राम करना है, कोई सेफ्टी कंसर्न कोई करना है, तो ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं वो सपोर्टिंग रोल करते हैं जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने के लिए, या तो कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं या तो कोई पूजा रखते हैं या कुछ के लिए, तो बाकी सब मेंबर्स इकट्ठा करता है। जनरली वो मीन्स चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजर के अलावा 7 या 9 मेंबर्स जो ऐसे सपोर्टिंग रोल में रहते हैं जो सबने सामने काम आता है। तो दिस इज़ अ नॉर्मल अपने फ्लैट में किस हिसाब से इलेक्शन करके नॉमिनेशन करना है या तो कैसे उसको मीन्स कमिटी मेंबर डिसाइड करना है, दैट इज़ इंडिविजुअली सबके फ्लैट के हिसाब से उनका रहता है। अदरवाइज़ उसके लिए कोई रूल्स, रेगुलेशन और गवर्नमेंट की कोई बॉडी ऐसी नहीं है कि जिसके लिए हम उसको फॉलो करना है, और डिपेंड्स अपॉन द चॉइस, अगर वो कमिटी ठीक से काम नहीं करते तो वापस उसका AGM बुला के उसको चेंज भी कर सकते हैं,
लेकिन जनरली एक या दो साल या तीन साल के लिए हम डिसाइड करके वो कमेटी अच्छा सा काम करती है, तो उसके लिए चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आपको ये सारे क्लियर हो गया होगा, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कंसर्न है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू।